क्या कर रहा है, क्या मतलब ये यहाँ से यहाँ टहलेगा तू? सामने सामने यून हमारे डायरेक्टर साहब प्लीज आइए ना सर। अरे कुछ नहीं करूंगी, आ जाओ। हमारे राइटर नहीं आए, राइटर अभी लिख रहे हैं। अगला जी जी बिल्कुल। ये तो फिर भी सेंसर है एपिसोड, आगे के और एपिसोड देखेंगे तो गिर जाएंगे आप हंस हंस के। एंड बहुत खुश हूं मैं कि ऐसा कुछ मुझे कुछ नया करने के लिए मिला। थैंक्स टू मैम कि उन्होंने मुझे चुना और ऐसा अवतार, पुलिस का अवतार मुझे दिया। एंड राखी इन खाकी शो रखा और विदाउट सेंसर है तो बहुत मजा आने वाला है। लोग जनता है, जनता जो है ये ऐसे एपिसोड्स को देख देख कर यूट्यूब पे बहुत ही मजे लेने वाली है। बिल्कुल सेंसर होने वाला नहीं है, मेरी पूरी मनमानी चलने वाली है, जो मेरे अंदर जितना एक्ट छुपा है वो बाहर निकलेगा। ये कैरेक्टर निभाने में आपने किसी का इंस्पिरेशन या देख के किसी को कॉपी करने की कोशिश की है? नहीं, किसी को कॉपी नहीं करने की कोशिश की है। मैं तो पुलिस के खानदान से ही हूँ। सो मेरे डैड कॉप थे तो बचपन से इनका ऐसे एटीट्यूड रहा है। और हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने गंगा जल किया था ना, हाँ गंगा जल 2, तो उनका वो जो पुलिस का अवतार था मुझे बहुत पसंद आया। और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं खाकी पहनूं ताकि मेरे डैड भी देखे, भले रियल में नहीं, फिल्मों में ही सही, शो पे ही सही। तो ये खाकी पहन के एक पता नहीं अजीब से अंदर से कुछ हो जाता है खाकी पहनकर। मैडम आपने काफी रियलिटी शोज किए हैं, तो ये शो करने का अनुभव कुछ अलग लगा? मैंने इतने रियलिटी शो को पैदा किया है, चाहे बिग बॉस हो, चाहे नच बलिए हो, चाहे स्वयंवर हो, टीवी पे मैंने अपने बहुत झंडे गाड़े हैं। बहुत ही सारे शो जनता की दया से, मीडिया की दया से हमेशा हमेशा सारे शो एकदम हिट गए हैं। एंड आई एम श्योर कि इसमें तो ये जो राखी इन खाकी तो बिल्कुल सेंसर भी नहीं है इसमें, तो लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और अभी उन्हें बहुत सही टाइम पे मेरा शो आ गया है, क्योंकि सभी लोग टेंशन में बैठे हैं, सभी लोग प्रॉब्लम्स में बैठे हैं, उनकी उनकी रात की नींद चैन और बिल्कुल मतलब फेस की हंसी खो गई है। तो अगर ये मेरा यूट्यूब पे अगर ये मेरा शो देखेंगे राखी इन खाकी तो वो हंस पड़ेंगे। तो मैं सिर्फ हंसाने का काम कर रही हूँ। हाँ, वो भी हम लोग ने एपिसोड शूट कर लिया है तो वो दिखाया जाएगा। कब कब आएगा मुझे पता नहीं, कब नेक्स्ट वीक से वो 500 और 1000 के नोट वाला आएगा एपिसोड। राखी कंट्रोवर्सीज एक्सपेक्ट कर रही है फिल्म से आप, इससे इस सीरीज से? सॉरी, कौन सा सीरीज से कुछ कंट्रोवर्सीज एक्सपेक्ट कर रही हैं आप एज एन एक्टर? कौन सा क्वेश्चन मैम? हाँ सॉरी, आप क्या बोले? कंट्रोवर्सी? देखिए यूट्यूब में तो आई डोंट थिंक सो कहीं कोई कंट्रोवर्सी होगी। इसमें तो मैंने और गालियां दी थी, मैडम ने काट दी है। लेकिन राखी इन खाकी को देख के खाकी वाले नाराज नहीं हो जाएंगे आप? क्यों होंगे, क्यों होंगे खाकी वाले नाराज? वो तो जैसे मैं गालियां दे रही हूँ वो तो देते ही है ना। जो भी चोर या गुनहगार है उनकी बैंड बजाने के लिए तो उनके रियली तो निकलते, तुझे आइला ये वो तो निकलती है। रे बंद कमरे देता, तुम्हें तो खुले हम देता है। हाँ तरगा आलम, मैं तो खुले हम ही दूंगी ना। मैं तो शो पे हूँ। अच्छा, मोदी ने जो अभी ये डिमोनेटाइजेशन किया उसके बारे में आपको क्या बोलना है? 500 और 1000 बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ दिल से कि हमेशा हर कोई कहता था, देश का बच्चा बच्चा कहता था कि काला धन कब आएगा, काला धन कब आएगा, करप्शन कब खत्म होगा। तो अच्छी बात है मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है। हाँ डेफिनेटली सबको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो हर चीज के लिए जिंदगी में सरवाइव करने के लिए तकलीफ होती है। 50 दिन दिए हैं और 50 दिन में पूरा काला धन गायब हो जाएगा और करप्शन भी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। और 50 दिन में हिंदुस्तान की जनता बहुत ही उनके अच्छे दिन आने वाला है।
और जब जैसे उन्होंने कहा था कोई चमचागिरी मैं कभी जिंदगी में किसी की चमचागिरी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सच कहती हूँ थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। बहुत दुख है कि कुछ लोग जो है एक्सपायर हो गए लाइन में खड़े हो के, बहुत दुख है इस बात का, लेकिन मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। राखी, आप सनी लियोनी को रियल लाइफ में भी रियल लाइफ में बहुत याद करती हैं क्या? मोहब्बत है, नफरत है, क्या है? क्या देखिए सनी लियोनी, सनी और लियोनी मेरी दो असिस्टेंट हैं, तो आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की लैंग्वेज देखिए कितनी अच्छी रखती है वो। कितनी भी बड़ी पॉर्न स्टार हो, कितनी भी बड़े एक्टर हो, यहाँ पे आके उन्हें आकर हिंदी ही सीखना पड़ता है ना। तो मैं तो ओरिजिनल हूँ, यहाँ पे आके हिंदी सीखना पड़ता है। हमारे लोग कितने अच्छे हैं, वहां पे तो न्यूड घूमती थी, यहाँ पे लोग आके साड़ी पहनाते, कपड़े पहना के पैसे देते हैं, अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने अपने असिस्टेंट का सनी लियोन नाम रखा हुआ है। उनको शो में बुलाएगा जी? नहीं, उनके शो में तो नहीं बुलाएंगे, बड़ा उनके ऊपर काफी शो करूंगी काफी एपिसोड बनाऊंगी। ये पुलिस स्टेशन मुंबई का ही रहेगा? नहीं, बट पुलिस स्टेशन में तो अलग अलग केस आ सकते हैं ना, क्योंकि ये तो शो है शो है ना। भैया मैं तो बहुत मैसेज दे चुकी हूँ सबको, बहुत मैसेज दे चुकी हूँ, मेरा कोई मैसेज नहीं है। मेरा ये है कि बस इस एपिसोड को देखो और खूब पेट पकड़ के हंसो, यही तो एक मैसेज है कि इतने टेंशन में लोगों को हंसाना इट्स नॉट अ जोक। अरे मैं तो सबका पर्दाफाश करूंगी, मेरा तो काम ही है ये, और पूरा बॉलीवुड हो, नेता हो, कोई भी हो, सबको, सबका सबका नाम नहीं लूंगी, ये तो एपिसोड के बाद ही आपको पता चलेगा। अभी देखो शरीफ जी को कैसे, नवाज शरीफ जी को पकड़ के लाए, वो तो अलग बात है कि नंदू निकला वो तो अलग बात है, बट ये तो नवाज शरीफ ही ना। बट ये बस पाकिस्तान में ये मतलब एपिसोड चला जाए, लोग देख ले, तो फिर बॉर्डर पे फायरिंग नहीं होगी। अरे उनके लिए, पाकिस्तान वालों के लिए तो मैं अकेले ही काफी। जय हो जी। So yeah, the digital space is nascent, but it's a very growing, it's a progressive space. And as far as the ROIs are concerned, there definitely is an ROI subject to the show becoming popular. And I think that's the advantage of digital, right? Everyone thrives to create good content because only good content gets viral. And hence, you know, you can actually recover your ROI. No, that's not true. That is not true at all. We've been in the digital space now for almost 10 years. And, you know, this is a myth that there's only youth on the internet. It's the biggest myth. It's the biggest myth that it's only the SECA audience, which is, you know, which is on internet or on mobile. That's not true. Because if you actually look, you know, if you look at the watchmans, or even if you look at your servants at home, all of them have entertainment on their mobile, right? If you look at, go to UP, Bihar, wherever, people thrive and they watch entertainment on phone. So I think youth, that, you know, just the youth is on mobile internet, I think that's a big myth here. And if you look at various shows on mobile, I mean, if you just look at the beauty shows on the internet, you know, there are beauty shows which are in Hindi, which do much more better than the shows that are in English. So, yeah. Ma'am, will you be doing web series and short films in the future? Not short films. We'll be doing web series and purely because, you know, it's very difficult to create an audience, you know, in the internet space, unlike television. And, you know, once you've got the audience, then you want to engage the audience. So whatever that we will do, that'll be either web series or will be shows like India Matters or what we're doing with Rakhi, which will be like a long, you know, it'll be for a longer time. You rightly chose Rakhi. She's very, very much apt for the role. In case she had refused, who was your next choice? I wouldn't have done the show. Oh, wow. मेरा सवाल अशोक जी से है। सर, आप एक सम्मानीय और एक उच्च पत्रकारों में से गिने जाते हैं, खासतौर से राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप एबीपी न्यूज पर भी आप काफी दिखते हैं और जमते भी हैं।
खासतौर से मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो प्रोग्राम है, जो ये वेब सीरीज में, इसमें आपका क्या योगदान है? क्या बल्गेटी के बिना कोई सीरीज बनाई जा सकती या नहीं बनाई जा सकती, आपका क्या मत है? सवाल ये है कि ये एक बुके गन पाउडर के नाम से जो आया है अभी, मैं शुद्ध पॉलिटिकल कंटेंट देता हूँ। जब आप एक एंटरटेनमेंट फिल्म देखते हैं तो उसमें करुणा का रस भी होता है, हास्य रस भी होता है, फाइटिंग भी होती है, कई चीज़ें होती हैं। तो ये बुके है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसको पॉलिटिकली अवेयरनेस चाहिए, उस वो मैं दे रहा हूँ। जिसको हंसना है वो राखी दे रही है, जिसको प्योर क्राइम चाहिए उसको क्राइम दे रहा है। आप जब अखबार पढ़ते हो तो कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ अखबार में पॉलिटिकल पढ़ के निकल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि स्पोर्ट्स का पेज पहला पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। मेरा बेटा स्पोर्ट का पेज, मैं और मेरी पत्नी दोनों जर्नलिस्ट है, मेरे बेटे को कभी करंट अफेयर से मतलब ही नहीं है, वो अपना स्पोर्ट्स देखता है और निकल जाता है। तो ये बुके है, ये जरूरी नहीं है, ये इंटरेक्टिव नहीं है कि आपको इंडिया मैटर्स देखने के लिए राखी के शो से ही घुसना पड़ेगा।